रहमतों अजमतों बरकतों का महीना रमजान, जिसका आगाज हो चुका है और आज पहला रमजान था। देश भर में अकीदत के साथ मुसलमान समुदाय और मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम लोगों ने रोजा रखा। रोजा रखने के साथ ही इबादतों का दौर भी शुरू हो गया। रमजान को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा इस वक्त चल रहा है, 1 से लेकर 10 रमजान तक जो ये पहला अशरा है, इस अशरे में इबादतों का दौर जारी है। वहीं अगर बात की जाए तो पहले रमजान की इफ्तारी की, तो अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में इफ्तारी के लिए पांडाल दस्तरखान सजाए गए। अंजुमन की ओर से पूरे दरगाह में इफ्तारी की व्यवस्था की गई थी। वहीं दूसरी ओर खुद्दाम हजरात की ओर से भी उनकी गद्दियों पर इफ्तारी की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सभी संप्रदाय, सभी समुदाय और विभिन्न धर्मों के लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा खोला। सांप्रदायिक सद्भाव का यह नज़ारा अजमेर में देखने को मिला। काफ़ी लोग जो है वो अजमेर में सिर्फ रोजे रखने की नीयत से आते हैं और यहाँ इफ्तारी सहरी कर अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। उनका मानना है कि अगर यहाँ रोजा खोलने का मौका मिला है तो आने वाले वक्त में वो मदीने में भी रोजा खोलेंगे। ऐसी दुआ लेकर वो अजमेर आते हैं और यहाँ पर रोजे रखकर अपनी इबादतें हैं वो पूरी करते हैं। मेरा नाम शबनम है, मैं आगरा से आई हूँ। मेरे बहुत दिन पहले, मैं आती हूँ हर साल उर्स में आती हूँ, 10 दिन रह के जाती हूँ, पर ये नज़ारा जो है मेरे दिल में बहुत दिन से था। एक ख्वाहिश थी, मैं जब देखती थी वीडियो में, टीवी में कि लोग इफ्तार कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, मेरा दिल रोता था अंदर से कि मेरा भी एक दिन हो, मैं भी रोज़ा खोलूँ। और गरीब नवाज ने मुझे बुला लिया। कल चांद रात थी, मैं कल रवाना हुई घर से, रात को मैं यहीं थी, चांद मैंने यहीं देखा, मैंने यहीं ईशा पढ़ी, मैंने रात को सहरी भी यही करी, आज इफ्तार भी यही करा। ऐसा लग रहा है कि एक दिन मैं खाना काबा का भी ऐसे दीदार करूंगी। बहुत अच्छा लगा, मेरी ये तमन्ना थी, ये अल्लाह ने मेरी पूरी कर दी। गरीब नवाज ने, अल्लाह सबकी तमन्ना पूरी करे। जितने भी आशियाने आते हैं गरीब नवाज, सबको झोलियाँ भर भर के भेजते। ये मेरा एक मोजरा है, मेरा बेटा यहीं की मन्नत का है, कोई दुआ खाली नहीं जाती है मेरी यहाँ से। मेरी सब दुआएं कबूल हुई हैं और जीते जी तक मैं गरीब नवाज का आस्ताना नहीं छोड़ सकती। मैं आगरा से आई हूँ, मेरा नाम यास्मीन है। मैं जब भी आई मैंने कुछ भी मांगा कर ख्वाजा साहब से, मुझे हर चीज मुझे यहाँ से मिली है। मैं इनके भाभी के साथ आई हूँ, मैं इन्हीं के साथ आती हूँ हर साल, लेकिन मेरी हर दुआ यहाँ पूरी होती है और ये नज़ारा देखने को मिला, ये मेरी खुश नसीबी है। अहमदाबाद से आया हूँ, जमालपुर से, और आज की इफ्तारी में स्पेशली रमजान महीने की पहली इफ्तारी करने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दरबार में आया था। मेरे काफ़ी अरमान होते हैं कि यहीं पर आकर इफ्तारी करूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि भाई यहां पर इफ्तारी की है तो मदीना मुनव्वरा में भी, मदीना शरीफ में भी इफ्तारी का मौका मिल जाए। सरकार के दरबार में इसीलिए आता हूँ, यही अर्ज़ करने आता हूँ कि मदीना मुनव्वरा रमज़ान मुबारक करने का मौका मिल जाए, इसीलिए आता हूँ। अभी 2 साल बाद आया हूँ वापस से रमज़ान में इफ्तारी करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान करीम के मुकद्दस महीने का पहला रोज़ा था। ज़ायरीन ख्वाजा ने बारगाह गरीब नवाज के अंदर आज अपने जो जिन जिन लोगों ने रोज़ा रखा था और जिन्होंने नहीं भी रखा था, सभी ने मिलकर इफ्तार एक साथ की है। हमारी जो कौमी जमात है अंजुमन खुद्दाम सैयद ज़ादगान की जानिब से भी बारगाह गरीब नवाज के अंदर इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था। दीगर जो दूसरे खुद्दाम हजरात हैं उनकी भी जो गद्दियाँ हैं उनके ऊपर भी इफ्तारी का इंतज़ाम रखा गया था। और हम आज इस मुकद्दस दिन के ऊपर सभी के हक़ में दुआ करते हैं सरकार गरीब नवाज की बारगाह के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान शरीफ की शुरुआत हो गई है, तो आज के इस मुकद्दस दिन हुज़ूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह में सभी आशिकान गरीब नवाज के हक़ में उनकी फलाह बहबूती तरक्की खुशहाली। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी शान चौकत से रमज़ान शरीफ का महीना मनाया जाता है। इस पूरे रमज़ान के महीने में हमारी अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा की जानिब से दस्तरखान लगाया जाता है, जिसमें सहरी का भी इंतज़ाम होता है और अफ्तारी का भी इंतज़ाम होता है। और जो लोग ज़ाहिरीन यहाँ पर सहरी अफ्तारी में शरीक होते हैं उनके कौल हैं कि हमको ऐसा महसूस होता है कि मदीने का मंजर लग रहा है। गरीब नवाज की बारगाह में ज़बरदस्त नूरानी मंजर हो जाता है, काफ़ी लोग एक साथ बैठ करके अफ्तारी और सहरी करते हैं। ये सारा अंजुमन की जानिब से होता है और इसमें हर मजहब के भी लोग आ जाते हैं, वो भी बैठते हैं। जितने भी प्रोग्राम दरबार में होते हैं वो हमारी अंजुमन की जानिब से होते हैं और ये मुबारक महीना है। इस मुबारक महीने में हम गरीब नवाज की बारगाह में दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला तमाम मोमिनों की इबादत को कबूल फरमाए और इस मुबारक महीने के सदक़े में सबकी जायज़ मुरादें पूरी फरमाए और इंसानियत का बोलबाला हो। माशाल्लाह अल्लाह का करम है, रब्बुल आलमीन का, कि हमेशा
हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हमेशा ही रमज़ान के मौके पर बड़ी धूमधाम होती है। धूमधाम से रौनक माशाल्लाह एक अलग ही रौनक रहती है यहाँ पर। और जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि यहाँ मदीने का मंजर देखा जाता है और बेशक यहाँ मदीने जैसा ही मंजर लगता है, देखने वालों को मदीना ही लगता है। और आज पहला रमज़ान है, हम सबके लिए दुआ करते हैं हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से, हमारे मुल्क के लिए अमन शांति का पैगाम जाता है। जैसे आज हमेशा यहीं से बाबा की बारगाह से जाता ही है, ख्वाजा बाबा की बारगाह से अमन शांति का भाईचारे का पैगाम, और वो हमेशा जाता रहे, ये हमारी दुआ है। और हम बाबा की बारगाह में दुआ करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम हमारे सब भाई सब एक साथ बैठ कर यहाँ रोज़ा अफ्तार करते हैं, और तमाम वेज का यहाँ पर पूरा जो रहता है वो वेज रहता है, फल फ्रूट रहता है, इसलिए किसी की भी किसी भी धर्म को कोई दिक्कत नहीं, सब अपने ऊपर माशाल्लाह। मैं रमजान का पहला तारीख थी आज सका गई की बारगाह में अल्लाह ताला का शान से बहुत अच्छी तरह अलहमदुलिल्लाह अच्छी तरह से हुआ है। अंजुमन की जानिब से खुदा में खाई जानिब से कोई गद्दियों पर दरगाह फैल लगाई गई है, स्थान लगा गया है।